केल और बादाम का पेस्टो पास्ता। बनाने का समय 20 से 25 मिनट। वी कुक वेज आपके लिए लाए हैं पवई विमेन नेटवर्किंग की मुख्य संस्थापक कनुप्रिया अग्रवाल की पसंदीदा रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक तिहाई कटोरी बादाम, 6 से 7 कटे हुए केल के पत्ते, 1 कटी हुई लहसुन की कली, आधा कटोरी पार्मेजान चीज, आधे नींबू का रस, जैतून का तेल जरूरत अनुसार, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च स्वादानुसार, 500 ग्राम उबला हुआ पेने पास्ता। सवारने के लिए हमें चाहिए कटे हुए केल के पत्ते और काले जैतून। रसोई के बर्तनों में से एक पैन, सॉस पैन, एक मध्यम आकार का कटोरा, मिक्सर ग्राइंडर, कड़छी, परोसने के लिए बर्तन। पूर्व तैयारी के लिए सॉस पैन में पानी उबाल लें। अब इस पानी में बादाम डालकर एक अलग कटोरे में निकाल लें। अब इस कटोरे में ठंडा पानी डाल दें और बादामों को छील लें। अब एक पैन लेकर इन बादामों को हल्का भून लें। मुख्य तैयारी के लिए मिक्सर ग्राइंडर में बादाम, केल, 1/4 कटोरी चीज, लहसुन और नींबू का रस डालकर पीस लें। इसमें थोड़ा जैतून का तेल डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें पास्ता डालें। अब इसमें बादाम और केल का मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें पार्मेजान चीज मिलाएं और स्वाद अनुसार काली मिर्च और नमक मिलाएं। लीजिए, तैयार है स्वादिष्ट पेस्टो पास्ता। इसे सवार कर परोसें और अपने प्रियजनों को टिफिन में भी दें। और हाँ, इसकी तस्वीर खींचकर facebook.com/vcookveg पर अपलोड करना ना भूलें। आप अपने सुझाव info@vcookveg.com पर भी दे सकते हैं।